हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मैजिकल हेयर केयर ऑयल लेकर के आई हूं, जिससे आप अपने बालों को बेहद स्ट्रांग, लंबा, काला घना बना सकते हो। दोस्तों, सच में यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा ये ऑयल है। आप लगा के जरूर देखिएगा, आपके बालों में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि आपको सच में यकीन नहीं होगा। उसके साथ साथ ही आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल से बंद हो जाएगा। बहुत ही मैजिकल हेयर ऑयल बताने वाली हूँ आज का ये। जरूर पूरा वीडियो देखिए, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के लिए सबसे पहले मैंने लिया है प्याज, यानी कि अनियन। दोस्तों, प्याज के बहुत सारे डीआईवाईज तो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। हर तरीके से प्याज जो है हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है। प्याज का रस जो अगर आप अपने बालों पर लगाते हो तो बालों की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे बालों की जो है ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा करता है प्याज। तो यहाँ पे आज फिर से मैं एक प्याज का ऑयल बता रही हूँ, आप ये भी ट्राई जरूर करिएगा। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है, आपके बालों को बहुत ही अच्छा करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्याज का जो छिलका है ना, प्याज के छिलका का भी डीआईवाई मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपको लेना है आधा प्याज। आधा प्याज वन टाइम का ही, एक बार के लिए मैं ऑयल बताती हूँ, जो भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऑयल बनाना होता है, डीआईवाई करती रहती हूँ। बहुत सारा ऑयल बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ही ऑयल का वेस्ट भी होगा और फिर टाइम भी तो जाता है दोस्तों। इसलिए कोशिश करें कि आप वन टाइम का बनाएं, और अगर आप एक ही ऑयल यूज़ करते हैं, कोई भी करते हैं, तो ज़्यादा टाइम के लिए भी बना सकते हैं। जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, एक महीने का भी बना करके रख सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, किस तरह का कोई ख़राब नहीं होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ को स्टोर करके आप रख सकते हैं, किसी भी जैसे एयर टाइट कंटेनर वगैरह होता है, एयर टाइट की बॉटल होती है, उसमें डाल करके। तो दोस्तों, अगली सामग्री आपको लेनी है सरसों का तेल। प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और उसमें डाल दिया है 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का तो फायदे आपको पता होगा, इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। जिस प्रकार प्याज का जो है हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार दोस्तों सरसों का तेल भी हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे बालों को काला करने का काम करता है। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग हर जगह सरसों का तेल लगाते थे, इससे उनके बाल देखिएगा अभी भी टूटते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अभी समय भी आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना भी दोस्तों आपको ऑल टाइम किचन में मिल जाता है। मेथी दाना के अनगिनत फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का टूटना झड़ना रोकता है, और नए बालों वाले में बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेथी दाना, और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी करता है। दोस्तों, सभी के सभी चीजें जो है ना आपके किचन में मिल जाएगी, और सभी के सभी फायदेमंद वाली चीजें हैं, बिना किसी नुकसान के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली सामग्री आप ले सकते हैं चावल। चावल के पानी के भी बहुत फायदे मैंने आपको बताया है। चावल का पानी जो है हमारे बालों को जो है बहुत ही ग्रोथ देता है। चावल के पानी का अगर कहा जाता है, जिस भी चावल से पानी देते हैं उसको आप फेंके नहीं, उसको आप किसी प्लांट में डाल सकते हैं, पौधे में डालिए, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। इसी प्रकार हमारे बालों में भी अगर चावल का पानी लगाते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरक्की होती है, बालों की ग्रोथ बहुत ही होती है। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं चावल का पानी नहीं बना करके चावल का ऑयल बना रही हूँ। कि आप चावल से ऑयल कैसे बना सकते हैं, चावल के ऑयल बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जब इस तरीके से सरसों का तेल में बनाए बने तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपके बालों की जड़ों को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आप विश्वास नहीं होगा, आपके बाल बिल्कुल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और नए बाल भी उगाना शुरू कर देता है, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी करेगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को डाल करके आपको गैस पे यहाँ पे कम से कम लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको पकाना है। जैसे कि स्लो कुकिंग क्या बोलते हैं, स्लो कुकिंग जो होता है ना, जैसे रस रस के धीरे धीरे जो है इन सभी चीज़ों का जो है रस उस तेल में आ जाएगा, और ये तेल एकदम मैजिकल तेल बन जाएगा। तो बहुत ही तेज करके सडनली ना करें, नहीं तो बहुत ही जल्दी सभी चीज़ें जल जाएगा। 8 से 10 मिनट 12 मिनट तक अच्छे से कम गैस करके इसको अच्छे से पकने दें, और उसके बाद ही इस वाले तेल को आपको छानना है। तो आप देख सकते हैं मैंने तेल को छानने के लिए तेल को क्या किया, काफ़ी अच्छे से ठंडा किया है। तेल को हमेशा कोशिश करें दोस्तों अपने बालों पर जब भी लगाएं ठंडा करके लगाएं, कोई भी डीआईवाई जब भी आप बनाते हैं उसको हमेशा ठंडा करके ही लगाएं। बालों की जड़ों के लिए अच्छा होता है, गर्म चीज़ें बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। बालों का टूटना झड़ना शुरू हो जाएगा, बालों की जड़ें जो है कमजोर हो जाएगी अगर आप गर्म ऑयल से कोई भी गर्म चीज़ें लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा मैजिकल ऑयल बन करके रेडी हो गया। इसमें एक और मैजिकल चीज़ हम डालेंगे जो कि बूस्टर का काम करेगा हेयर ग्रोथ में, ये होगा हमारा कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे बालों के लिए, बालों का टूटना झड़ना रोकता है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। दोस्तों, प्राइस वाले लोग कहते हैं अरंडी का तेल अगर आप अपने भौंहों वगैरह पर लगाते हैं, पलकों पर लगाते हैं, तो पलकें भी बहुत सारे उगाती हैं। उस प्रकार अगर आप बालों पर लगाते हैं तो बाल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, नए बाल उगाना शुरू कर देगा अरंडी का तेल। दोस्तों, हमेशा अरंडी का तेल किसी न किसी ऑयल में मिक्स करके लगाया जाता है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती है, नहीं तो आप ऐसे ही लगाएंगे तो बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आपको ऑयल मिक्स करके 1/4 चम्मच मिक्स कर दें, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपके बालों के लिए लगाने के लिए
रेडी हो चुका है मैजिकल ऑयल। आप यहाँ पे लगा कैसे सकते हैं, लगाने के लिए आप अपने फिंगर टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे आप ऑयल लगाते हैं वैसे लगाएंगे, या फिर आप कॉटन की मदद से बालों की जड़ों पे लगाएं दोस्तों। कॉटन से बहुत ही अच्छे से लगता भी है और फिर आपका हाथ भी गंदा नहीं होता ज़्यादा और फिर आपके बालों पर ज़्यादा ज़्यादा ऑयल लगता है। इस प्रकार आपको कॉटन की मदद से आपके पूरे बालों की जड़ों पे लगाना है इस तरीके से। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, जो भी मैं डेराज बनाती हूँ फ्रेंड्स मैं खुद पे लगाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, सभी के सभी और अच्छे होते हैं तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से मैंने पूरे बालों की जड़ों में काफ़ी अच्छे से इस वाले ऑयल को लगा लेना है इस तरीके से, ताकि जो तेल है बालों की जड़ों में जाए, बालों की जड़ों में जब जाएगा तो बालों की जड़ों में पोषण मिलेगा अच्छे से, और जो बालों की जड़ों को जब पोषण मिलेगा ग्रोथ अच्छी होगी दोस्तों, बालों का टूटना जमा रुक जाएगा, नए बाल उगाना शुरू कर देगा। इतना मैजिकल ऑयल आप ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही कंजूसी नहीं करें, बहुत अच्छे से डीप ऑयलिंग करें, मसाज भी बालों को 15 मिनट तक पूरे बालों पर लगाएं, 15 से 20 मिनट तक मसाज देने के बाद कम से कम दोस्तों 2 घंटे जरूर रखें, 2 घंटे रखने के बाद ही शैम्पू करें। और शैम्पू के लिए मैंने बहुत सारे डेराज बनाए हैं, शैम्पू भी मैं वही बताती हूँ जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, जो कि अच्छा हो, नेचुरल हो, हर्बल शैम्पू हो, ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से आपको जो मैं शैम्पू बताती हूँ लिंक भी दे देती हूँ, जो भी लगाती हूँ मैं वो सभी ट्राई करा दोस्तों, बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपको शैम्पू कर लेना है 2 घंटे के बाद, पहली बार के इस्तेमाल से आपको बहुत फर्क नज़र आएगा फ्रेंड्स। 30 दिन लगा के देखिए, महीने में 1 महीने मतलब लगा के देखिए, आपको बहुत फर्क नज़र आएगा। बाल तो काले होंगे ही, बालों की झड़ना टूट जाएगा, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बाल की ग्रोथ सचिन बहुत ही अच्छी होगी, आपके बाल बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखेंगे। आजमा के देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय मैंने बताया आपके बालों के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, और आपके बाल जो है सुंदर हो जाएंगे। मेरे बाल देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमेशा डी आई एस करते रहती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों, और भी ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।